Hi everyone, very good evening to all of you. Is my voice audible to all of you people here in this session? So very good evening to all of you and welcome to the session. So we will be discussing today the history session. Aaj quiz hai bhai history ka. Bilkul in the coming time I will be adding up the ancient and medieval history also in this questions. So all of you are most welcome for this session where we are going to discuss about the questions on this topic of modern history. और दूसरी चीज़ मेरे भाई, अगर आप लोगों में से किसी को भी यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकेडमी प्लस, दे कैन ज्वाइन बाई यूजिंग दिस रेफरल कोड प्रतीक तक्षशिला. दिस इज़ द रेफरल कोड विच यू कैन यूज फॉर ज्वाइनिंग अनअकेडमी प्लस. क्लियर है जी? CAPF का एग्जामिनेशन है, अगर आपका CDS का एग्जामिनेशन है या आपका एग्जामिनेशन कोई स्टेट पीसेस का जहाँ पर आपको ज्योग्राफी में दिक्कत है, तो यू कैन ज्वाइन मी बाई यूजिंग दिस रेफरल कोड प्रतीक तक्षशिला. क्लियर है जी? एंड यू विल बी गेटिंग अ 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन. ऑल द पीपल ऑन द यूट्यूब सेशन ऑल्सो, दे कैन जस्ट ज्वाइन अनअकेडमी ऑन हेयर ऑन दिस सेशन ऑल्सो टू गेट एन अपडेट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स. इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ? सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्विज ऑल्सो आई जस्ट नीड टू अनाउंस यू पीपल, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स डेली 9:30 AM I will be starting a proper batch course on GSK. हम questions के basis पे on the previous year questions and the other questions topic wise we will be taking up this session. Clear हो रहा जी? चाहे वो सबसे पहले polity का है कल से, ठीक 9:30 AM morning 9:30 AM you can just search in, और मैं ये share भी कर दूंगा groups पे. तो polity पहले 5 दिन चलेगा, उसके बाद geography चलेगा 5 दिन. वी विल बी गिविंग 5 days फॉर दिस पॉलिटी, 5 days फॉर ज्योग्राफी, दिस वे हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो. एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग? सो दिस वे आई विल बी कंप्लीटिंग होल ऑफ दीज थिंग्स. बिल्कुल या बिल्कुल ठीक हूँ? इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट हियर? बिल्कुल जी. और किसी को भी अगर हिस्ट्री की ज्योग्राफी की क्लासेज लगानी हो, तो मेरे भाई अभी कोर्स चल रहा है अपना रिगार्डिंग दिस ज्योग्राफी. आई जस्ट स्टार्टेड इंडियन ज्योग्राफी, तो आज इंडियन ज्योग्राफी फर्दर बढ़ेंगे. सो किसी को भी ज्वाइन करना हो तो उसमें भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एट 8:30 PM डेली. 8:30 PM वी आर हैविंग दिस ज्योग्राफी सेशंस फॉर ऑल ऑफ द पीपल हियर. आई होप ऑल ऑफ यू पीपल हैव गॉट अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टेक अप. प्रॉपर रिविजन होगा, जिन्होंने पहले भी लगाई हुई है क्लासेज या नहीं लगाई हुई वो इन सेशंस को लगा सकते हैं, और आपको प्रॉपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक्स पे. क्लियर है जी सभी को? अब बढ़े हम टॉपिक पे और क्विज पे स्टार्ट करेंगे. वेरी गुड इवनिंग जी. सो लेट मी स्टार्ट अप द सेशन नाउ. मॉडर्न हिस्ट्री पे क्विज है आज अपना. Let's see the first question. All of the people who are there in this session, welcome you all for today's quiz. First question is, which one of the following is about Tilak's home rule movement? Number one, one of the aim was formation of linguistic states. He opened cooperative stores among the home rule movement. He founded the first home rule league in Bombay and was merged into Gandhi's non-cooperation movement later. आपको बताना इनमें से कौन कौन से ठीक हैं regarding the Tilak's home rule movement. Everybody clear about this question? Let us start the poll and let's check out how many of you can answer this first question today and let's start this session. एक सेकेंड दोस्त, जरा स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई म्यूजिक भी ऑन करना. मारिए जरा पोल पे आंसर अपना.
तो पहला क्वेश्चन हो चुका है जी सभी का मेरे भाई, इसका आंसर था 1 और 4। सो कोई नहीं, म्यूजिक आएगा जी बिल्कुल जी। अगर आपने लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत कह रहा हूँ स्पेक्ट्रम पढ़ी है, वहां पर था होम रूल लीग का मूवमेंट का एक वन ऑफ द एजेंडा वाज लिंग्विस्टिक स्टेट्स शुड आल्सो बी फाउंड, सो दिस वाज वेरी राइट। कोऑपरेटिव स्टोर्स ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी चीज, फर्स्ट होम रूल लीग इन बॉम्बे, दैट वॉज रॉन्ग। क्लियर है जी? नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही मेरे भाई? एक सेकेंड दोस्त। जया, इज इट विजिबल नाउ? कैन यू प्लीज लेट मी नो इफ इट इज विजिबल नाउ? या प्लीज चेक करिएगा, यूट्यूब पर भी जरूर चेक करिएगा। सो आंसर शुड हैव बीन 1 और 4। क्लियर हो गया जी? ये आंसर होना चाहिए था ए ऑप्शन। होम रूल लीग 1916 में शुरू है। 1916 होम रूल लीग वॉज द मूवमेंट विच स्टार्टेड, इफ रिमेंबर एनी बेसन और बाल गंगाधर तिलक ने मिलके बनाई थी ये होम रूल लीग। क्लियर है जी? यहाँ पर एनी बेसन ने संभाला था पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया और तिलक ने स्पेशली फोकस ऑन द महाराष्ट्र पार्ट एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इन्होंने दो किताबें शुरू की थी, केसरी और महारत्ता न्यूज़पेपर या पैम्फलेट्स, जबकि एनी बेसन की थी न्यू इंडिया एंड कॉमन वील। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ? सो द आंसर वॉज 1 और 4 इन दिस क्वेश्चन। इट ही ओपन कोऑपरेटिव, ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम इन्होंने कोऑपरेटिव स्टोर्स खोले थे, एंड इट इज द स्वदेशी वतुस्त। ये क्लियर है जी? नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। विनय गर्ग, ऑल द पीपल हु आर देयर इन द सेशन, वेलकम यू फॉर टुडे सेशन। रिवोल्ट ऑफ 1857 पे क्वेश्चन है जी, जरा चेक करिए अगला क्वेश्चन। इट वॉज अ पैन इंडिया इन करेक्टर, सेकेंड इट वॉज रूलर ऑफ इंडियन स्टेट्स एज ह्यूज सपोर्ट एंड फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द रिवोल्ट, वीर सावरकर कॉल्ड इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन द हिस्ट्री। आइए जरा चेक करें कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री हियर। YouTube people can also join here. So it's a pan India in character. गलत है दोस्त, क्योंकि इंडिया में सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स में कुछ जगह पर था, बाकी जगह पर तो था ही नहीं। दूसरी चीज, रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स, लॉट ऑफ इंडियन स्टेट्स के रूलर्स जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे ना कि इस बेस को, तो ये भी गलत है। आखिरी बिल्कुल ठीक है जी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने कहा था जी। क्लियर है जी? सो दिस आंसर इज 3 ओनली इन दिस ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ? हाँ जी, अब जरा बात कर लेते हैं दोस्त। कल से भाई 9:30 AM सेशंस होंगे मेरे पॉलिटी के, अगले 5 दिन। 5 दिन हम पूरी पॉलिटी को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे प्रॉपरली सॉल्व। स्पेशली जिन लोगों ने पहले कभी किसी और एजुकेटर से लगाया हो वो भी लगा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कभी पॉलिटी पढ़ी हुई है, एक क्विक रिविजन के लिए प्रॉपरली प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भाई बैच कोर्स है ये। नॉट ओनली मी, आई विल बी टेकिंग अप द GS पार्ट हेयर, ठीक है जी। बाकी जो है मिस्टर बलविंदर विल बी टेकिंग अप द मैथ्स पार्ट, जिनका मैथ्स का पेपर है वो शाम को 8 बजे का उनका क्लास होगा। और मिस्टर साहिल राणा विल बी टेकिंग अप द इंग्लिश पार्ट इन दैट क्लास। मैं जो हो चुका है शिखा जी उसको आगे पीछे का बिल्कुल मत पूछे कि आगे हो जाए पीछे हो जाए, जो बता दिया वो है। क्लियर है जी? CDS का बैच मेरे दोस्त जया जी चल रहा है, रात को आप 8:30 बजे क्लास लगाइए, ज्योग्राफी चल रही है। बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक होंगे शेड्यूल्स,
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी पे। क्लियर है जी, सारे जीएस के टॉपिक्स होंगे टिल 5th of November। इट इज दिस कोर्स इज गोइंग टू बी देयर। ये अब लाइव हो चुका है, मैं आपको उसका लिंक भी भेज चुका हूँ। किसी को भी अगर नहीं मिल रहा तो आप जस्ट व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर इफ़ दे वॉन्ट टू ज्वाइन माई एनी ग्रुप। एम आई क्लियर टू यू? एंड चेक आउट द क्लासेस डेली 8:30 इवनिंग। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अच्छे से करेंगे जी। मैं तीन बार ही बता चुका हूँ मनप्रीत जी, ज्योग्राफी जो पॉलिटिक है पहले 5 टॉपिक, शेड्यूल्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। इन टॉपिक से इस बारी आईएएस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। आपने चेक किया होगा पेपर, अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। सेम ही टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम सीडीएस और सीएफएफ में भी आते ही आते हैं, तो क्यों ना इनको कंट्रोल कर पाए। आर्टिकल वाइज इसका रिविजन होगा प्रॉपरली, बिल्कुल प्लस पर, नॉट प्लस पर। क्लियर है? 9:30 AM होगा कल सुबह, और जिनको ज्योग्राफी लगानी है 8:30 PM आएगा। तो वही आएगा दोस्त गर्ग साहब, अब क्या करें, हम भी मेहनत करके ही पढ़ा रहे हैं, हमका भी एक्सपीरियंस है तभी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई मैं ये चीज हूं। अब आ जाइए वापस। ठीक है जी, शुक्रिया, एटलीस्ट आप लोगों को लगा तो सही भी जो आ रहा है वो होगा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया दोस्त। लेकिन पेपर पार कर मेरे भाई, मेहनत कर, पक्का पेपर पार होगा। थोड़ा सा मैच्योर हो गए पढ़ोगे तो बिल्कुल चीज़ें समझ आएंगी, व्हाट यू नीड टू रीड एंड व्हाट यू नॉट नीड टू रीड। सो इफ़ अगर किसी को भी अनअकैडमी ज्वाइन करना हो तो इस रेफरल कोड को ज़रूर लगाइएगा, प्रतीक तक्षशिला फॉर ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस, आपको 10% ऑफ मिलेगा। और अभी से अभी ज्वाइन कीजिए, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या एनसीसी में हैं तो दोस्त बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट द क्लासेस फॉर दिस थिंग। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन चेक करें। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट तत्वबोधिनी समाज। इट वॉज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन। दूसरा चीज, इट प्रमोटेड अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज। सो यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। राजा राम मोहन राय आपने सुना ही हुआ, आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज। ये जो केशव चंद्र सेन थे इनका ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था, ये जो था देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके, सो देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था ये पिछली बारी आपके सीडीएस के पेपर में आया। ये बिल्कुल ठीक है, इंडिया पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेज। सो द आंसर वॉज बी ऑप्शन, केशव चंद्र सेन तो ठीक है, लेकिन ये जो था तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने इसको ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाया था। ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 1800 कितने में जी शुरू हुआ था एनीबडी? 1828 में, 24 में, 28 में ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो आत्मीय सभा था 1814 में, आत्मीय सभा जी स्टार्ट हुआ था। आइए जरा अगला क्वेश्चन चेक करें। किसी को भी अनअकैडमी भाई बार बार कह रहा हूँ, रेफरल कोड लगाइए और ज्वाइन कीजिए। जो लोग यूट्यूब पर है ज़रूर देखिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा। जिन्होंने कभी मेरी क्लासेस नहीं लगाई, दे कैन अटेंड माय क्लास एट इवनिंग 8:30 PM। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज इंडियन ज्योग्राफी, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी देयर एट 8:30 PM इन द इवनिंग। नेक्स्ट आइए, नेहरू रिपोर्ट के बारे क्वेश्चन। पहला अटेम्प्ट इंडियन का टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। इट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वॉज फाउंडेड इन ऑपोजिशन टू नेहरू रिपोर्ट। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ठीक हैं जी। एवरीबडी रेडी विद दिस क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ईजिली आपको भी पता आता है, मेरे को भी पता आता है, तो देखें कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन। ऑल द यूट्यूब पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन हेयर ऑन द लाइव प्लेटफॉर्म to understand the questions and understand the logic here.
बहुत सिंपल था, आपको सेकंड पॉइंट से मिल रहा भाई गलत है ये। इन कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है दैट वाज नॉट ए टारगेट, ये किसका था भाई? ये तो मेरे भाई बाद में जवाहरलाल नेहरू ने मांगा था लाहौर सेशन में, डोमिनियन स्टेटस कहा था नेहरू रिपोर्ट में, तो ये गलत था। बिल्कुल पहला अटेम्प्ट था जहां पर पहली बार हिंदुस्तानियों को चैलेंज किया था लॉर्ड बिर्किनहेड ने, इट वाज लॉर्ड बिर्किनहेड हु चैलेंज इंडियंस टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत नेहरू रिपोर्ट बनी थी, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। क्लियर है जी? तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक था, तीसरा बिल्कुल ठीक है जी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वॉज फाउंडेड, किसने लीग फाउंड की थी? एनीबडी? नेहरू और बोस ने बनाई थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, याद रखिएगा जी। बिल्कुल जी, और यहां पर ये सभी को क्लियर है जी। उस मोतीलाल नेहरू जी ने जो रिपोर्ट बनाई थी नेहरू रिपोर्ट, उसमें तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एमसी ये सभी मेंबर्स थे, ये क्लियर है जी। रेकमेंडेशंस लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस यहां पर भी डिमांड की गई थी। इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट हियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ था, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर नंबर वन थिंग, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन वॉज एंडोर्स्ड। थर्ड, फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वॉज फॉर्म। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ठीक है। आइए जरा चेक करें कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। और जो हमारे सेशंस में होंगे दोज विल बी वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कोर्स। जो प्लस पे होगा मेरे भाई वो टॉपिक वाइज एक एक दिन के टॉपिक्स पकड़ के उस पे क्विजेस करेंगे। क्लियर है जी? दोस्त यहां पर जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस था वो कलकत्ता में 1928 में बना था। जो फॉर्मेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन वाज एंडोर्स्ड, दैट इज राइट। एंड द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, दैट वाज आल्सो वेरी क्रूशियल पॉइंट एट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो 1 एंड 2 शुड हैव बीन द आंसर इन दिस क्वेश्चन। एंडोर्समेंट नहीं समझ आता दोस्त, एंडोर्स करना उसको बढ़ावा देना, उसको फेवर करना। कोहली एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट होता मशहूरी, एक उसको फेवर करना कि भाई ये चीज अच्छी है, समझ गए? तो नॉन कॉपरेशन यहां पर खूब इसको फॉलो किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया। द कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव अ अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस वर मेड एज अ दिस थिंग 15 मेंबर्स वर सेट अप। क्लियर है जी ये सभी को? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पे। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट पे क्वेश्चन है और देखिए क्या आंसर होना चाहिए। लीडरशिप फॉर द मूवमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थ्रू आउट इट्स एंटायर कोर्स। पिक्यूलियर फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज द एब्सेंस ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेशन। थर्ड, देर वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड वुमेन। आपको बताना है इसमें से किसका ठीक है, करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आइए जरा चेक करें हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन हियर। यहां पर आपको भी दिख रहा है भाई, ये जो मूवमेंट वॉज प्रेडेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट तो इसके थ्रू एंटर हुए थे, पहले मॉडरेट्स भी थे इसके हेड।
स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हुई कब थी? याद है सभी को, साल जल्दी लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में, किसके कारण ये स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हुई थी ये भी बताइए, किस मूवमेंट के कारण। बिल्कुल, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी राइट। और इस चीज में ये तो क्लियर हो गया, ये गलत है। एब्सेंस ऑफ मुस्लिम की, मुस्लिम पार्टिसिपेशन खूब हुई थी। गांधी कहां पर, अर्श कुमार यहां पर आ गए, गांधी यहां पर थे इस समय। कितने क्या पढ़ रहे हो भाई, कुछ भी चलता जा रहा है। एनीथिंग यू आर रीडिंग, इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस थिंग? किसी को भी अगर नहीं हिस्ट्री आती मेरे भाई, अगर कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, कभी पाथफाइंडर पकड़ रहे हो, कभी कुछ पकड़ रहे हो, जस्ट गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन यूजिंग दिस रेफरल कोड प्रतीक तक्षला। You will get a proper clarity on the topics, 100% surety we will be able to understand these things. वापस आ जाइए जी, तो यहाँ पर आंसर है ये, क्लियर है। मैं एक ही कहूँगा रिक्वेस्ट, आप लोगों में से काफी लोग जिन्होंने नहीं भी लगाई, एक बारी जरूर रिकॉर्डिंग चेक करें, चार क्लासेस देखें, अपने आप चीजें समझ आएगी, what we have done in history, what we have done in geography and what we need to do in the polity also. So that is what I can promise you in this part. आप जरा देखिए होम रूल लीग के बारे, फिर से लीग कवर्ड इंटायर पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, एनी बेसन लीग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। सिंपल क्वेश्चन है, जरा जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए, इसमें पूछा गया करेक्ट इनकरेक्ट, सॉरी मारिए जरा जल्दी। So we are going to have a daily session at this time, 2:30 PM. Tomorrow I am going to take up the geography topic. उसका नाम चाहे full GS है, लेकिन मैं कल geography के questions लूँगा, Indian geography के. Clear है जी? Indian geography quiz is going to happen tomorrow at 9 at this 2:30 PM. दोस्त उल्टा दिया हुआ, तिलक ने नहीं संभाला था, एनी बेसन ने कवर्ड एंटायर पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, और यहां पर महाराष्ट्र इंक्लूडिंग सिटी, वो था उल्टा। क्लियर है जी, ये सभी को समझ आ चुका है। हाँ जी, होम सेंटर्ड वुमेन नहीं था, पढ़िए इधर, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ होम सेंटर्ड वुमेन मतलब ट्रेडिशनली जो घर पे रहती थी, हाउस वाइफ जिसको कहते, जो सिर्फ घर पे रहती थी, उन औरतों ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? Is everybody clear about this thing now? Next question. Ishwar Chandra Vidyasagar पर है, काफी important है, कई बारी पूछा गया। He founded the Bethune College in 1849. Next. He presented the petition of to the government of India praying to them to abolish childhood marriage. Third, his campaign was highly successful in creating mass awareness and inculcating the idea of widow remarriage. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से incorrect है जी। Clear है जी? Is everybody ready with this question? Simple question है, दिमाग से करिएगा और बताइए क्या answer होना चाहिए, incorrect बताना है इसमें। सभी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत क्यों है ये चीज देखेंगे। बेथुने कॉलेज इन्होंने नहीं फाउंड किया था, पहली बार प्रेइंग टू देम चाइल्डहुड के बारे तो बात ही नहीं इन्होंने की थी, इन्होंने की थी विडो रीमैरिज के बारे ज्यादा। उसके बाद द कैंपेन वाज हाईली सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग मास अवेयरनेस एंड इनकल्केटिंग द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज। आइए जरा चेक करते हैं, बेथुने कॉलेज जो था फाउंड किसने किया था, जॉन एलियट ने और ड्रिंक वाटर बेथुने। विद्यासागर प्रेजेंटेड अ पिटीशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेइंग टू देम टू लेजिटिमाइज विडो रीमैरिज। मासेस डिड नॉट अप्रिशिएट ह्यूजली द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज।
only 25 widow remarriage took place during 55 to 60. So Ishwar Chandra Vidyasagar, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको विद्यासागर संस्कृत के नॉलेज के लिए, इनकी किताबें थी बबू विवाह। बिल्कुल जी, एवरीबडी क्लियर वो दिस थिंग नाउ। सोम प्रकाश बीनी की किताब थी जी, बंगाली में लिखी हुई। अब जरा अगला क्वेश्चन चेक करें, महारत्ता, अल हिलाल और कॉमरेड, आपको इधर मैच द कॉलम करना है, कौन कौन सी ठीक है। करें जी स्टार्ट पोल। भी आपको बताया होम रूल लीग के चक्कर में, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, कॉमरेड होगी मौलाना मोहम्मद अली। सो 231 वाज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। आइए जरा अगला क्वेश्चन चेक करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गिव एन इंपेटस टू द नेशनल मूवमेंट। इंपेटस मतलब किसने पुश किया कि नेशनल मूवमेंट आगे फर्दर बढ़े। नंबर वन वर्ल्ड वॉर वन, सेकेंड थिंग वॉज रशियन रेवोल्यूशन, थर्ड वॉज नेशनल एजुटेशन इन एफ्रो एशिया वर्ल्ड। बाहर की कौन कौन से इवेंट थे जिसके कारण नेशनल मूवमेंट को और फर्दर मिला इम्पेटस। क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, एफ्रो एशिया मतलब अफ्रीकन और एशिया वर्ल्ड में भी नेशनल एजुटेशन होनी शुरू हो चुकी थी। एशियन कंट्रीज भी, इधर इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहां पर एजुटेशन होनी शुरू हो चुकी थी। रशियन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा, ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जिससे प्रभावित थे इंडियन सोसाइटी, इंडिया के काफ़ी लोग इससे प्रभावित थे, इसी कारण काफ़ी बन चुकी थी पार्टी CPI, कम्युनिस्ट पार्टीज, ये सारी चीज़ें रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन से। वर्ल्ड वॉर वन का भी मुद्दा था भाई, वर्ल्ड वॉर वन में जहाँ पर आपको देख रहा है कि भाई एशियन कंट्रीज आर एबल टू डोमिनेट, सो ऑल दीज डेफिनेटली गेव अ पुश टू वर्ल्ड वॉर वन, और ये सारी मूवमेंट से कारण नेशनल मूवमेंट को और स्ट्रेंथनिंग मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए जी, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म पे इन ब्रिटिश इंडिया। द रेवोल्यूशनरीज ट्राई टू ऑर्गेनाइज अ मास रेवोल्यूशन आफ्टर ऑल एवेन्यूज ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट वर ब्लॉक्ड बाय द ब्रिटिश। प्रफुल चक्की एंड खुदीराम बोस वर इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट ऑफ थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वाइसरॉय हार्डिंग। संध्या एंड काल वर द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर एडवोकेटिंग रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। आपको बताना इनमें से कौन कौन से ठीक है जी। क्लियर है जी, करें जी स्टार्ट। इनकरेक्ट बताना ठीक नहीं, इट इज इनकरेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज नाउ एंड लेट्स नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन हियर।
पहली बात तो भाई रेवोल्यूशनरीज ने नाम से ही दिख रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट तो कभी किया ही नहीं था। देवर निहिलिस्ट दो की हथियार में विश्वास करते थे कि अगर इसको रेवोल्यूशन लाना है तो वो ये रेडी विद दिस थिंग। सो पीसफुल प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं ऐसा था, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इन्होंने भाई किंग्सफोर्ड को मारा था, जो जज था एक किंग्सफोर्ड, काफ़ी बदनाम था, उसको मारने की कोशिश की गई थी, जबकि मार दिया था दो औरतों को। 1907-08 में ये इवेंट हुआ था, जिसके बाद तिलक जागे रंगून में उनको जेल में रख दिया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, क्लियर है जी, दिस इज अगेन रॉन्ग। बिल्कुल आखिरी ठीक है, संध्या और काल दो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर थे रेवोल्यूशनरी एरा के। इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन हियर? नेक्स्ट आइए फिर अगला क्वेश्चन चेक करें, आखिरी क्वेश्चन है जी आज अपना, हाफ एन आवर का ही सेशन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वर यूज्ड बाय लॉर्ड वेल्सले फॉर एक्सपेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर? नंबर वन सब्सिडरी अलायंस, सेकेंड आउटराइट वॉर, थर्ड एजम्पशन ऑफ टेरिटरीज बाय प्रीवियसली सबऑर्डिनेट रूलर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आप चेक करें लॉर्ड आर्थर वेल्सले के बारे, आपको बताना है किसके थ्रू इन्होंने साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड किया था। सब्सिडरीज तो सभी को पता, सबसे पहले हैदराबाद का साथ किया था जो भी थी सब्सिडरीज। आई होप यू पीपल रिमेंबर कि यहाँ पर आपको अलायंस बना दिया गया अंग्रेजों के साथ, ताकि कल को कोई भी अटैक करे आपका नेबरहुड, यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अदर अटैक्स। तो ये तो था ही थी। दूसरा आउटराइट वॉर्स में भी बिल्कुल जी। तीसरा अगर आप देखें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला पॉइंट इन दो में है, तो ये तो है नहीं, वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया, रह के गई वन एंड ओनली एंड वन टू एंड थ्री। तो मेरे भाई वेल्सले ने अकेला ये नहीं, इसने अटैक भी किए थे और टेरिटरीज ऑफ प्रीवियसली सबऑर्डिनेट रूलर्स को भी कब्जा कर रखा था। सो वन एंड टू एंड थ्री आर द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज एवरीबडी क्लियर फॉर दिस थिंग? तो दोस्त किसी को भी अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो ये रेफरल कोड यूज़ करिएगा, जो भी लोग यूट्यूब पर हैं आप ये रेफरल कोड यूज़ करिए और ज्वाइन कीजिएगा अनअकैडमी प्लस। You will be getting a 10% off on this course and 100% quality classes will be there. Another thing which I need to tell you people is tomorrow morning 9:30 AM there is a quiz session which is going to be started on the topic wise or proper plus courses वालों के लिए है। 5 दिन polity cover करेंगे, सारी revise करेंगे और कैसे कैसे question आ सकते हैं उन पर focus करेंगे। Clear है जी? All of you are most welcome for that session. और even 8:30 PM we will be having a geography session which is already going on, a 100% comprehensive course on geography. Clear hai ji? Indian geography bhi shuru ho chuki hai. 2:30 PM will be the free class, that is a special class KBC. aap log meri profile pe jaake note kar sakte hain, wahan par full GS likha hua, lekin kal hoga Indian geography pe quiz. same timing all the YouTube people also know about this thing. Tomorrow onwards Indian geography full time quiz is going to be started. By 2:30 PM we will be having a KBC session. So that's all for today. Thank you, wish you all the best. Jai Hind.